Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ तुरई गोश्त। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हाफ के जी तुरई लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मटन लिया था और मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ के दो और उसको मैंने स्लाइसली कट कर लिया था। दो मीडियम साइज़ के टमाटर है, कोथमीर है, पुदीना है, मिर्ची है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून है और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और रेड चिली पेस्ट 1 टीस्पून है, 2 टीस्पून है सॉरी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, तो अभी चलिए इसे बनाने लेते हैं। तो मैं इसमें ऑयल यूज़ करूँगी 2 to 3 टेबल स्पून। तो ये यहाँ पर देखिए, मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, इसको गरम करने रखा है। अभी इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज और प्याज को जब तक कि इसका कलर जो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता तब तक मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। इट मीन्स कि लाइट पिंक नहीं हो जाता तब तक मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। अब मैं इसमें करने वाली हूँ, मेरी मम्मी का ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ। मेरी मम्मी की टिप है कि जब भी हम प्याज को बनाते हैं मतलब फ्राई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्याज में अगर हम नमक सॉल्ट डालते हैं तो जल्दी से पक जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसने कलर अपना टोटली चेंज कर दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट और इसे मैं अच्छे से, जब तक इसकी रॉ स्मेल नहीं चले जाती तब तक मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी। और कुक करने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटन। मटन ऐड करके उसको भी अच्छे से भून लूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं मटन डाल रही हूँ इसके अंदर और इसे मटन भी अच्छे से डालकर इसे भून लेना है। ये करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है जब हम मटन को भी अच्छे से भून लेते हैं ऑयल के अंदर, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का जो फ्लेवर है वो भी अंदर तक चले जाता है। तो ये भी पुरानी ही वीडियो है मेरी, 2 मंथ पुरानी वीडियो है। अब मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, जैसे कि मैंने कल बताया था कल की वीडियो में क्या रीज़न था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो और टमाटो को भी थोड़ा सा इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इसे टोटली टेंडर होने तक अच्छे से कुक कर लूँगी। तो अभी मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से और मिक्स करते करते ही इसे मैं कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, टमाटर अच्छे से अभी 2 से 3 मिनट हो गया है और टमाटर अच्छे से इसके अंदर ही सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर सारे ड्राई मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया हुआ है, रेड चिली पाउडर ऐड किया हुआ है, सब 1 टीस्पून है, धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून है, गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून है और सिर्फ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून है, बाकी सब 1 टीस्पून था। सॉल्ट मैंने पहले ही डाल दिया था, अगर आप चाहो तो लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरी मम्मी हर खाने में पहले ही सॉल्ट डाल देते हैं ज़्यादातर, जिससे प्याज जल्दी से टेंडर हो जाती है, कलर चेंज कर लेती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोथमीर, पुदीना और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने 4 to 5 ग्रीन चिली ली थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे मैं फिर से इसको मैं मिलाऊँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करते हुए इसको भूनूंगी। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, पानी मैंने इसके अंदर 1 ग्लास ऐड किया था। इसे मिक्स करने के बाद में मैं इसके ऊपर विजल लगा दूंगी और विजल लगाने के बाद में मैं इसको अराउंड 4 to 5 विजल मैंने लिया था, 4 to 5 विजल हम लेंगे और या तो फिर तब तक कि जब तक कि मटन जो है हमारा टेंडर नहीं हो जाए, टोटली कुक नहीं हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 4 to 5 विजल ले लिया था। ये देखिए, अब हम गोश्त को चेक करेंगे, मसाले तो अच्छे से भून गए हैं, सब कुछ अच्छे से है क्योंकि ऑयल ऊपर आ रहा है, इट मीन्स कि अच्छे से मसाले जो है वो कुक हो चुके हैं, ऑयल मतलब मटन का रिलीज़ हो गया है ग्रेवी का। तो यहाँ पे देखिए, मैं चेक कर रही हूँ, गर्म है काफ़ी, मटन अच्छे से गल गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी तुरई। तुरई मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि तुरई जो है वो सॉफ्ट हो जाती है पकने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अभी तुरई। तुरई डाल के भी मैं इसको फिर से मिक्स करूँगी और एटलीस्ट 4 to 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, और मैंने विजल नहीं लगाना है, तुरई डालने के बाद में आपने इसको विजल नहीं लगाना है।
तो मैं अभी विजल नहीं लगाऊंगी, और 4 to 5 मिनट के बाद में ये देखिए तुरई अच्छे से कुक हो गई है इसके अंदर। तो ये देखिए हमारा जो तुरई गोश्त तुरई मटन है बन के तैयार है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।